सावन में भगवान शिव की भक्ति के रंग तो आपने खूब देखे होंगे, मगर कुशीनगर में कुछ ऐसी अनोखी शिव भक्ति देखने को मिली जिसे जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले थाईलैंड के एक परिवार ने कुशीनगर के रामनगर मंदिर में रुद्राभिषेक किया। सावन के पवित्र महीने में विश्व शांति की कामना के साथ विधिवत पूजा अर्चना किया, इसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। थाईलैंड से आए इस बौद्धिस्ट परिवार की भगवान शिव में इतनी अटूट आस्था बन चुकी है कि इन्होंने अपने घर पर भी भगवान शिव का मंदिर बना लिया है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि भगवान शिव का नाता भारत से जुड़ा है। भारत में भगवान शिव के कई ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके दर्शन करना इनका सपना है, और इसी को लेकर इस बार ये लोग श्रावण के महीने में भारत पहुंचे, जहां सबसे पहले कुशीनगर में पहुंचकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है। What is the purpose of your puja? What is the reason why you have worshipped to? Because in my house have Shiva, have Jamakali, and have everything same India. And I find this man in Kushinala or India have big puja for 1 month, right? And I find I have to come here. Because I want to know everything about puja and about Shiva, about Hindu. So I come with my family to pray puja here. And everybody in Kushinala, very good. Every people, any people, Ideal Rupert. Okay. When did you first know Lord Shiva? No, I am believe about Shiva, about Jamakali for long time, maybe more than 20 years. थाईलैंड से आए इन शिव भक्तों के गाइड मनोज ने बताया कि इनका संपर्क 2019 में इन लोगों से हुआ था। इनका कहना था कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खस्ताहाल थी, मगर भगवान शिव की कृपा से अब इनका परिवार थाईलैंड के बड़े कारोबारियों में गिना जाता है। इसे चलते इनके परिवार की आस्था भगवान शिव से जुड़ गई है। काफी समय से इस परिवार की इच्छा थी कि वो भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें, मगर कोरोना की पाबंदियों की वजह से इनका सपना अधूरा रहा था। अब ये परिवार हर 2 महीने पर भारत आकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहता है। इनका पहला क्वेश्चन प्रश्न मुझसे था कि मनोज, हम भगवान शिव की आराधना के लिए कुशीनगर आना चाहते हैं, वह कौन सा दिन होगा जब हम यहाँ पे आ सकते हैं और अच्छा दिन कौन सा होगा। तो मैंने श्रावण मास का जिक्र किया। इन्होंने पहला प्रोग्राम यहाँ का बनाया कुशीनगर का कि मैं रुद्राभिषेक हम लोग कराना चाहते हैं और कुशीनगर जनपद में जितने भी छोटे बड़े शिवलिंग हैं सब जगह मंदिर पर हम लोग जाना चाहते हैं। इस क्रम में हम इनको बैंकॉक से कलकत्ता है, कलकत्ता से गोरखपुर से हम कुशीनगर लेकर आए हैं। यहाँ पे अखंड कीर्तन का पाठ शुरू हुआ, आज रुद्राभिषेक हुआ, कल हम लोग मैनपुर कोटेश्वरी भी गए थे। आने वाले दिनों में और भी जितने भी शिवलिंग हैं अगल बगल में हम जाने का प्रोग्राम। अच्छा, अभी ये लोग जब उनकी जो आस्था है, ये आस्था कैसे शिव में आ गई, चूँकि वहाँ तो बौद्धिस्ट ज़्यादा हैं, तो फिर ये लोग क्या बताते हैं अपनी कहानी? बता रही थी अपने विषय में कि हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे पूरे फैमिली में एक ही गिलास था, तो किसी ने बताया कि आप लोग शिव की पूजा कीजिए। हमारे सपने में शिव आने लगे और उन्होंने कहा कि हमारी पूजा करो, आराधना करो, हम तुम्हें हर तरह से सुख धन धान्य से भर देंगे, सुख समृद्धि से हम भर देंगे। इन लोगों ने अपने घर पर स्थापना किया भगवान शिव का, और उसके बाद से दिन प्रतिदिन ये लोग आगे बढ़ते गए। आज अपने शहर के मुख्य व्यवसायियों में से एक है, और अपने साथ साथ अपने शहर के अन्य लोगों को भी ये लोग सनातनी परंपरा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। थैंक यू। बहरहाल शिव भक्ति में लीन ये बौद्धिष्ट परिवार कुशीनगर में रुद्राभिषेक करने के बाद जिले के हर छोटे बड़े शिव मंदिरों में महादेव का दर्शन कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशीनगर से अनूप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।